आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। 16 साल के नाबालिग का काटा गला। बहुत बुरी हालत में थी, इतना उसका गला काटा हुआ था, हड्डी दिख रही थी, और उसके मुंह पे तेजाब भी गिर रखा था और कान काट रखा था उसका। करिए बस, हमें दिलासा दिया जा रहा है कि एक बंदा पकड़ लिया है, वो नाबालिग है ये है। पुलिस वालों ने हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं शुरू करी है, वो उनके पैसे खा चुके हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुन रहा। एक गरीब परिवार अपने बच्चे के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। जी हाँ, मामला कालंदी कुंज का है, जहाँ एक छोटे से नाबालिग 16 साल के एक नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये मामला परसों का है। परसों रात में लड़का जब घर से बाहर जाता था, वो वापस नहीं लौटता है और उसकी लाश मिलती है, जहाँ पर उसके कान काट दिए जाते हैं और साथ ही साथ उसका गला भी काट दिया जाता है। परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है, क्या था पूरा मामला, कौन थे वो लोग, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, बताइए कि कृष्णा की माता जी है, क्या था, क्योंकि 16 साल का था, पुलिस वाले बोल रहे कि उन्हें नशा कर रखा था, आपने बताया कि मामला कुछ और था, क्या था पूरा मामला? उसने समय नशा नहीं करता, शाम को यहाँ से 6:30 बजे निकला है, मुँह हाथ धोया, कंघी करी है, जूते पहने हैं। अच्छा। लड़के ने जैकेट मांगी, मैंने कहा गीली है बेटा, ये मत पहन, अभी तू ये पहन जा, तू आ जाइयो। अच्छा। तो वह कंघी करके हमारी छोटी बहू ने छेड़ा उसको कि बेटे मेरे ही सामान खो गया, तो कह रहे अगर सोने चांदी को तो मैं ढूंढ के देता, तो कील क्या ढूंढ के दूँ। अच्छा। मजाक करता हुआ लड़का चला गया। अच्छा। कोई परेशान लग रहा था वो? नहीं, कोई परेशान नहीं लग रहा था हमें। कुछ पहले रंजिश थी किसी के साथ उसकी? उसने हमें घर में नहीं कोई हमारे को मालूम। अच्छा। रंजिश होती तो हम खुद ही कवर करते, हमारे को कोई रंजिश नहीं। अच्छा, पाता तो फिर रात को लौट के घर पे नहीं, नहीं आया। अच्छा। 11 बजे उसके भाई को मिला, तो भाई ने बोला चल भाई घर, तो उसको बोला कि 10 मिनट में मैं घर आ रहा हूँ। अच्छा, रात 11 बजे वो मिला भी है? हाँ, निकला घर से बाहर रात में 11 बजे मिला। हाँ, तो 11 बजे उस लड़के ने बोला कि घर चल, तो उसने बोला कि तू चल मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसके बाद नहीं आया। हम 12:30-1 बजे तक जगते रहे, इधर उधर जहाँ उसको देखते हो हम देखा है, उसके बाद में हमें नहीं पता। यहाँ फिर सवेरे हल्ला मचा, हमारी गली में कोई हल्ला नहीं था, कि पीछे की लड़की कोई सुन के आई तो उसने कहा आंटी लक्की का गला काट दिया, वो गया। उसी समय हम घबरा गए, तुरंत मैं उधर ढूंढने गई जहाँ मैं देखती, तो छोटे उसके भाई को मैंने इधर भेजा, तो ये फोटो दिखा रहे थे, इसने इसको पहचान नहीं आए थे, तो उसने लड़के भतीजे को लेके गया कि तू पहचान इसे, तो ये गया, तो इसको आगे नहीं जा रहा, इसके हाथ में डंडा मार रहा है। पुलिस वालों ने मारा? हाँ यार। पुलिस वाले बताए कि नशे ड्रग्स लेता था, नशे में नहीं, ड्रग्स कुछ नहीं लेता था, बियर पी रखी थी उसने, जैसे यार दोस्त पार्टी कर रहे थे तो पी थी, बस कोई नशा नहीं, कुछ भी नहीं था, बस जैसे अब यार दोस्त पार्टी कर ही लेते, बस वो था, कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लिए रखी थी उसने। बड़ी बहन है? हाँ जी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा, कुछ बात करने या परेशान, क्योंकि बता रहे हैं कि पुलिस वाले बोल रहे कि नशे में था, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ना वो नशे में था, ना कोई परेशान नहीं थी, ना किसी चीज़ की घबराहट थी, बस वो जैसे राजी खुशी रोज घर में आता था उसी हिसाब से वो रात को गया था यहाँ से। अच्छा। हाँ, और 2 दिन पहले उसने मेरे से फ़ोन पे भी बात की थी। अच्छा। तो कह रहा था बहन तू आ जा मेरे से मिल जा, भाई इतनी बात उसने मेरे से की थी, मगर उसके हमारे घर में भी कोई किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी। सालों ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी है, बस हमें दिलासा दिया जा रहा है कि एक बंदा पकड़ लिया है, वो नाबालिग है ये है, हमें दिखा है ना नाबालिग है। अच्छा। हम भी तो पूछेंगे तूने अकेले ने कैसे उसे अकेले को मार दिया, हमारा पूरा परिवार उसे नहीं पकड़ पाता था, घर में किसी बात को लेकर कोई मुँह भैंसी होती थी, कोई कवर नहीं कर पाता था, 8-10 बंदे उसे अकेले के लिए चाहिए, तो बताओ वो अकेले बंदे कैसे वो कर लेगा फिर। तो पुलिस वाले बता रहे थे कि एक ही आरोपी है। हाँ जी, और अभी कुछ ही नहीं दिखाया, ना सीसीटीवी कैमरा दिखाया, ना कोई रिकॉर्डिंग, ना कुछ, हमें यहाँ तक कि उसका सामान नहीं दिखाया, ना हमारे लड़के को हमें अभी तक दिखाया। मैं आपको बता दूं कि मामला किस तरह से ही आपने देख लिया, कि इनका कहना है कि अभी तक जो आरोपी बता रहे हो, जो नाबालिग आरोपी पकड़ा गया, उनको अभी तक दिखाया नहीं हो, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो कृष्णा की जो बुआ है वो भी मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, बताइए कि पुलिस ना ही कार्रवाई कर रही है, जो आरोपी पकड़ा है उसको भी नाबालिग बता रहे हैं? उसको भी नाबालिग बता रहे हैं, बाकी अभी तक हमें ना तो उन्होंने आरोपी दिखाया है, ना ही वो यहाँ इंक्वायरी के लिए आए, बाकी हमारे यहाँ पड़ोस की सारी लेडीज गई हैं, उनको धक्का मार के भगा दिया। अच्छा। कोई लड़का अगर बीच में आ रहा है तो उसको डंडे मार रहे हैं, पुलिस वालों ने हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं शुरू करी है, वो उनके पैसे खा चुके हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारा कोई नहीं सुन रहा है, शक है हमें, किसी के ऊपर शक नहीं है, बाकी अगर शक वाली बात अगर ऐसी होती तो जिस बंदे को उन्होंने पकड़ा वो हमें भी तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि ये कौन बंदा है, क्या इससे पंगा हुआ है। उन्होंने कह रहे हमने पकड़ लिया, जेल पहुंचा दिया, 24 घंटे बंदा रिमांड पे रहता है, उन्होंने सवेरे पकड़ा और अभी 1-2 घंटे के अंदर उन्होंने जेल पहुंचा दिया। अच्छा।
तो अभी भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार? फोन किया है, 3-4 बार थाने से फोन आ रहा है, बाकी पुलिस वाले यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब हमारे को कह रहे हैं कि आप थाने में आ जाओ। अब हम चक्कर ही काट और सवेरे से इतनी 50-60 लेडीज गई, आदमी का सबको धक्के मार के भगा दिया। अच्छा, किसी ने, हाँ किसी ने नहीं सुना। और अब मैंने आके जब कॉल करा है तो वो कह रहे हैं कि आप आ जाओ थाने। अगर हम थाने में भी जाके कह, जब मैंने उनको बोला ना, मैंने कहा अगर तुम कह रहे हम कुछ नहीं करते, जाओ आपको जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा कोई बात नहीं, तो मैं आगे जाऊंगी। तब वो दोबारा कह रहे हैं कि आप थाने आके मिलो, जो करना है बिल्कुल जो करना है वो कर लो। अभी मेरे से बोला उन्होंने फोन पे। वो बार बार हमें वहाँ थाने में बुला रहे, किस लिए बुला रहे? हमने गुनाह किया है। अच्छा। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने गुनाह किया है तो हम चक्कर काटेंगे? बच्चा हमारे घर का गया, मेरे माँ बाप की इतनी हालत नहीं है जो मैंने बार बार वहाँ लेके जाऊँ। आज 1 करोड़ी, कल को 2 करोड़ी मैं बैठ के। वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हो? क्या हमारे लिए न्याय कर रहे हो? वो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं, कहीं नहीं सुन रहे। हम गलत है क्या जो हम बार बार वहाँ जाके चक्कर काटेंगे? मेरे बाप की हालत नहीं है वहाँ तक जाने की, मैं कैसे लेके जाऊँ बाप को? और मैं अकेली लड़की कहाँ तक भगूँ? जब तुम मेरी सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे वो कर लूंगी? सवेरे गया था कि वहाँ थाने की बॉडी लेने जाना है, उसके संग एक लड़के को हमने भेजा था। तो अब बताओ कि घर का सदस्य जिसपे बीत रही वो अकेला जाएगा वहाँ तक? इतनी दूर वो पुलिस वाला कहता है तू जा रहा नहीं जा रहा, नहीं तेरी डंडा मार के कर दूंगा। बताओ कोई अनजान भी गया था तो तेरी इतनी हिम्मत कैसे ही बोलने की? मामला किस तरह से मैंने आपको दिखा दिया, किस तरह से पूरा मामला बना हुआ। उनका आरोप है कि पुलिस वाले अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इन्होंने पैसे खा के बैठ गए हैं। चाचा डेड बॉडी देखने गए थे पर उनको डंडे मार के भगा दिया गया था, वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सीताराम है। अच्छा। तो मैं उधर 12 में रहता हूँ, तो चाचा हूँ लड़के का, तो सगा चाचा हूँ। तो वहाँ कह रहे बॉडी पड़ी है किसी की, तो मैंने कहा यार इस लफड़े में क्यों पड़े हुए होते रहते हैं? तो मेरा जी नहीं माना, मैंने कहा चलते हैं किसका बच्चा है। तो पुलिस वाले मोबाइल में फ़ोटो दिखला रहे थे, तो मैंने स्वेटर से पहचाना। मैंने कहा यार पहले यार मेरा लड़का 2-2 महीने आता नहीं है, देखता हूँ यार क्या है। मैं भाई के पास आया, भाई कह रहा है ही नहीं। फिर मैं भतीजा मिला, फिर भतीजे को लेके भागा, भतीजे ने पहचान लिया स्वेटर से, तो उसे ले गया। मैं भी जाने लगा, मेरे पीछे से लठ मार दिया। मैंने कहा सर मेरा भतीजा मारा गया? हाँ जी मैम, मेरे हाथ में मारा है। अच्छा। अभी भी दर्द कर रहा है। फिर भतीजे को ले गए, फिर जब उसकी बॉडी वोडी पैक की उसके बाद मेरे को बुलाया गया। अच्छा। मैम आपको ही मारा? हाँ मैम। मैं आपको दिखा दूं कि परिवार वाले जब बॉडी को देखने जाते तो उनको ही मार के भगा दिया जाता है। इससे आप मामले का और इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस किस तरह से कार्यवाही कर रही है। जो फादर है कृष्णा के वो बेलदारी करते हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सदलू। अच्छा, ये बताइए कि जब डेड बॉडी देखी किस हालात में थी? नहीं था जी, मैं काम पर निकल गया था जी, मुझे पता नहीं चला सारा दिन। और जब फ़ोन था उसमें लग नहीं रहा था, यहाँ से इन्होंने फ़ोन किया है। अच्छा। मेरे जो जिसके पास काम करता हूँ तो उसका फ़ोन लगा नहीं। अच्छा, अच्छा। बैल गई है, उसका फ़ोन ख़राब था तो नहीं, नहीं। शाम को अचानक से फ़ोन 5:30 बजे करीब लगा है। अच्छा। तो मेरे को उसने बताया कि चल भाई तेरे बेटे की बहुत ज़्यादा सीरियस में है। अच्छा, अच्छा। फिर वो मुझे गाड़ी में ले आके छोड़ा, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे बेटा का कुछ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आपने देखी डेड बॉडी? हाँ। किस हालत में थी? उन्होंने वहाँ से जहाँ कत्ल कर रहा था वहाँ से हटा के बाहर दर्जे पर डाल रखी थी। उस समय वो बहुत ही ज़्यादा सारा चारा काला वाला था। हमने कपड़े वपड़े से पहचान करी थी सब कुछ। अच्छा, बताया गला काटा हुआ था? हाँ जी। वो जाओ मैं क्यों, मैं घबरा जाती हूँ, मेरे को डर के मारे पूरा नहीं देखने दिया ना, हमने उसको छू के देखा। हाँ मैंने उठाई थी, बहुत बुरी हालत में थी, इतना उसका गला काटा हुआ था, हड्डी दिख रही थी। अच्छा, पूरा गला काटा? हाँ, और उसके मुंह पे तेजाब भी गिर रखा था और कान काट रखा था उसका पूरा। वो कह रहे हमने किसी पे शक, ऐसा कुछ विवाद पहले इनका हो रहा, रंजिश हो रही है? ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन उसके साथ के लड़के थे, दोस्तों ने करा। जहाँ पर कृष्णा उस लक्की की डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे अभी मैं मौजूद हूँ। मैं आपको दिखा दूँ कि यहीं पर ही उसकी डेड बॉडी मिली थी। अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि उस कपड़े पे जूम करेंगे। इसके जो लक्की के पापा, इन्होंने बताया कि वो उनका उसका गमछा था जो अभी खून में लथपथ हो रखा है। जी हाँ, मामला दिखा दी किस तरह से पूरा मामला बना हुआ है। और इसी जगह डेड बॉडी परिवार वालों ने पा रखी थी। और पीछे मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक रास्ता भी है, जो परिवार वालों का कहना है कि यहाँ से जो आरोपी थे यहाँ से भी भाग सकते थे। जो उस टाइम मौजूद थे यहाँ पर, जिन्होंने सबसे पहले डेड बॉडी देखी थी, वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते। क्या नाम है? लाला नाम है मेरा। यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, यहाँ पर मैडम ने बताया है
यहाँ पे ऐसे काफ़ी भीड़ लगी थी, सब लोगों को पता चला कि लक्की मर गया, लक्की मरे, जैसे सब लोग आए, पुलिस ने उठवाने की कोशिश की, भाई बोलो कि आप इनको उठवाओ, सारे परिवार वाले मिलकर जो भी हैं, तो उसे फिर पैक करके फिर पुलिस ले गई। अच्छा, हाँ जी। तो आपने डेड बॉडी देखी थी? हाँ जी, डेड बॉडी मैंने देखी थी। हालत में थी, बताइए, गला काट दिया, उसका गला काटा हुआ था, यहाँ से पड़ा हुआ था, वीडियो भी वायरल हुई है, वीडियो भी सब लोगों के पास है यहाँ पे, तो उसका गला काटा हुआ था यहाँ से बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। सीसीटीवी फुटेज अभी तक आई है सामने? नहीं, हम लोगों के पास तो किसी के पास, इनके परिवार वालों से किसी वजह से, पुलिस वालों के पास ही होगी सीसीटीवी, उन्होंने देखे होंगे, तो सामने कैमरे लगे हुए, आगे पीछे लगे हुए कैमरे, उन्हीं के पास है, अभी परिवार वाले के पास किसी पास फुटेज नहीं है। आपने देखी थी? हाँ मैम, हाँ, डेड बॉडी यहीं पड़ी थी मैम, रात का हमारा भी आता तो यहीं पर ही पड़ी हुई थी मैम। हाँ फैमिली था, दोस्त था, भाई है, छोटा भाई है। गवर्नमेंट का ऑफिस है ना, यहाँ पे सारे बच्चों की जान कत्ल हो रहा है, गवर्नमेंट का ही कसूर है ना, इसमें बेचना, दारू बेचना, सब कुछ करना, मामले इसमें को दारू इन सब के पीछे होते रहते हैं। बताइए गवर्नमेंट का ऑफिस है कि नहीं है? सुविधा है नहीं, दरवाजे है नहीं, यहाँ से खिड़की खुली है, कोई भी हमारा भी बच्चा कलो हो सकता है, गमछा पड़ा, सब कुछ पड़ा है। चलो भाई, आम रास्ता होता था, जंगल पहाड़ होता तो कोई बात नहीं, ये तो सरकारी ऑफिस है ना, सरकारी ऑफिस में ऐसा हो जाए कल हमारे बच्चे तो रोड पे मरेंगे। दुकान खुली पड़ी है, सब खुला पड़ा, आसपास के लोग है, ये सरकारी ऑफिस में कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं है, कल जाके हमारे बच्चे ऐसे मर सकते हैं, गलत है, बहुत गलत है, सरकार ने हमारी सुविधा करना चाहिए, नहीं तो हम देखो क्या होगा। डीडी के ऑफिस के अंदर ये घटना घट जाती है, पर किसी को भी कानों कान खबर नहीं होती है। जी हाँ, मामला हमने आपको दिखा दिया किस तरह से मामला है, 16 साल के मासूम की हत्या कर दी जाती है, परिवार वालों का आरोप है कि ये किसी एक का काम नहीं है, आरोपी काफी है, पुलिस वालों ने अभी तक एक को पकड़ा है। मैं आपको बता दूँ, झज्जर हालत में ये पूरा जो डीडी का ऑफिस है पड़ा हुआ है, यहाँ पर ही लाश पड़ी हुई मिलती है, लक्की की पर किसी को भी खबर नहीं होती है। मामला किस तरह से हमने आपको दिखा दिया, एक गरीब परिवार अपने बच्चे के लिए नाई की गुहार लगा रहा है, पर पुलिस वाले अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अब देखते हैं कि क्या असर पड़ता है और पुलिस वाले किस तरह से पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दिल्ली अपटूडेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अपटूडेट।